हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन डिजाइन जो आपका 3 BHK है और फुल फैसिलिटी है इसमें, विद कार पार्किंग के है, ग्रीन एरिया भी मिलने वाला है इसमें, स्टेयरकेस भी आपका डॉग लेफ्ट है एंड फुल फैसिलिटी के बारे में डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल पे हमारे काफ़ी और भी वीडियोज हैं, इससे आइडिया लग जाएगा आपको, बिल्डिंग बनाने में प्लानिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वन साइड देख सकते हैं, ये आपको फ्रंट में रोड मिल रहा है, ये रोड और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। इस प्लॉट का साइज आपका 30 फुट बाई 50 फुट है। तो गाइस चलिए, यहाँ पे आपको एक गेट मिल रहा है जिसमें 8 फीट का वाइड रखा गया, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो 10 फीट भी रख सकते हैं क्योंकि इसका टोटल चौड़ाई 11 फीट 10 इंच है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, गाड़ी पार्क एंड यहाँ पे स्टेयर केस का टोटल साइज आपका 11 फुट 10 इंच बाई 19 फुट 7 6 इंच है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये वाला क्या है, आपको 3 फुट ये स्टेयरकेस में निकल जाएगा, बाकी ये वाला इतना पूरा हिस्सा है ये आपको यूज में आ जाएगा नीचे गाड़ी पार्क करने में, क्योंकि ये वाला यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा, ये फर्स्ट फ्लोर में पहुँच जाएगा। यहाँ से जैसे एंट्री करेंगे तो 2 स्टेप चढ़ने पर ये लैंडिंग बढ़ेगी, ये आपका प्लिंथ लेवल होगा जो आपको सीधा डाइनिंग एरिया में ले जाएगा, बाकी यहाँ से आप अपने स्टेयरकेस पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये, क्योंकि गाड़ी आपको चढ़ाने उतारने में प्रॉब्लम ना हो, स्लोप कम बने, इसलिए 2 स्टेप नीचे ही आपका पार्किंग एरिया रखा गया है, बाकी आपकी फ्लोर फिनिश लेवल से। तो नेक्स्ट आपकी एंट्री है यहाँ से, यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको 2 स्टेप चढ़ने पर यहाँ पे आपको ड्राइंग रूम में एंट्री मिलती है। ड्राइंग रूम का साइज आपका 16 फिट 4 इंच बाई 11 फिट है एंड इसमें आपको एक विंडो बाहर आउटर साइड में मिलती है जिसमें आपके विंडो ग्रीन एरिया में खुलती है। ग्रीन एरिया का साइज आपका 5 फुट 8 इंच बाई 5 फुट है जिसमें आप अपना प्लांटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक अटैच लाइट बाथ देखने मिलता है जिसका साइज 7 फिट 5 इंटू 5 फिट है। इसमें आपको कम्बाइंड टॉयलेट और लेट बाथ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन 2 फुट का प्रोवाइड किया गया है वेंटिलेशन के लिए, और इसमें अंदर के लिए जो आपको लॉबी एंड डाइनिंग में ले जाएगा उसके लिए आपको डोर यहाँ पे ओपन दिया गया है, बट यहाँ पे आप अगर रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग क्लोज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक लॉबी साइड में विंडो मिलती है जिसका साइज 4 फिट है। तो गाइस, इससे आपका जो आउट वेंटिलेशन है वो प्रॉपर आपकी लॉबी एंड डाइनिंग में भी होता रहेगा। वैसे इसमें वेंटिलेशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चारों तरफ से एकदम ओपन है। अब आगे आने पर हम डाइनिंग एरिया में एंट्री करते हैं, तो डाइनिंग एरिया का साइज है जो आपका, ये आपका डाइनिंग एरिया इतने में है। तो इस तरह से आप डाइनिंग टेबल वगैरह सेटअप कर सकते हैं। जस्ट ये आपको एक सैंपल दिखाया जा रहा है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। तो ये वाला साइज है आपका 16 फट 4 इंच इंटू 13 फट 2 इंच, और इसी के जस्ट साथ ही आपको एक ओपन किचन मिलने वाला है जिसमें आपका साइज है किचन का 12 फुट 2 इंच बाई 9 फिट। तो इसमें आपको किचन काउंटर एल साइज शेप में मिलने वाला है, और इसमें यहाँ पे आप अपना पॉइंट दे सकते हैं फ्रीजर का, एंड जस्ट इसी के सामने स्टेयर केस एंड पार्किंग की तरफ ओपन इसके वेंटिलेशन के लिए एक 4 फुट का विंडो प्रोवाइड किया गया है जो कि काफ़ी शानदार है। जस्ट इसी के सामने आपको 2 बेडरूम मिलने वाले हैं। फर्स्ट बेडरूम का साइज आपका 14 फुट 1 इंच इंटू 14 फुट है जो कि एकदम स्क्वायर शेप में है। तो इस तरह से आप बेड सेटअप कर सकते हैं, इधर आप अपना वार्डरोब वगैरह लगा सकते हैं। इसी में आपको एक अटैच लाइट बाथ दिया गया है, अटैच लाइट बाथ का साइज आपका 7 फुट बाई 5 फुट है एंड इसमें 2 फुट का वेंटिलेटर दिया गया है। जस्ट इसके बाहर आने वाले हैं तो इसमें एक OTS में आपको 4 फुट को विंडो भी दिया जाता है।
तो वापस आने पर सेकंड बेडरूम में जाते हैं, तो सेकंड बेडरूम का भी साइज सेम है, 14 फट 1 इंच x 14 फट। इस तरह से आप अपना बेड सेटअप कर सकते हैं। इसमें भी सेम टॉयलेट का साइज दिया गया है लेटवर का, तो इसका भी साइज 7 फट x 5 फट है। इसमें भी 2 फट का ही वेंटिलेटर दिया गया है। एंड आपको ओटीएस में जाने के लिए इसमें एक डोर मिलता है, डोर के साथ ही एक विंडो मिलती है, विंडो का साइज 3 फुट है, डोर का साइज 3 फुट है। तो गाइस यहाँ पे आपको ओटीएस है, ओटीएस का साइज 13 फुट 1 इंच x 10 इंच x 5 फुट है। तो ये ओटीएस का मतलब गाइस ओपन टू स्काई होता है, तो ओपन तक स्काई तक आपका ओपन ही रहने वाला है। तो आज का प्लान आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। लाइक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे कि आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड क्रिएटिव प्लान्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे सारे वीडियो वॉच कर सकें और इससे नए नए आइडियाज ले सकें। सो आपको पहले स्टेयर केस का डिटेल बता देंगे, तो यहाँ से आप 2 स्टेप चलने पर आपको यहाँ पे प्लंथ लेवल पे पहुँच जाएंगे। प्लंथ लेवल ये मतलब होता है फ्लोर फिनिश लेवल। फ्लोर फिनिश लेवल से यहाँ से स्टेप वाइज आप चढ़ेंगे, तो प्रत्येक स्टेप का जो साइज है आपका 10 इंच है गाइस, जिसको ट्रेड बोलते हैं, जिस पे आप पैर रखते हैं उसका 10 इंच है। एंड इस स्टेयर केस की जो चौड़ाई है वो 3 फीट है, तो हम आपको यहाँ पर मेजर करके भी दिखा सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मेजर करते हैं, तो ये आपका देखो 10 इंच है। एंड आपको इसकी चौड़ाई देखते हैं, तो इस तरह से इसकी आपको 3 फुट है चौड़ाई मिलने वाली है। लैंडिंग भी गाइस सेम मिलने वाली है 3 फुट। और यहाँ से आके आप ये वाला यहाँ पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, तो इसके नीचे का एरिया आप यूज में ले सकते हैं। सो ये प्लान आपको आई होप अच्छा लगा होगा। और भी प्लान देखने के लिए हमारे चैनल सिविल डिजाइन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव प्लान के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।